Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. आज के वीडियो में हम रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. डिस्प्लेसमेंट लॉ के कॉन्सेप्ट में बेसिक जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं, उन प्रोसेस में इट इज पॉसिबल टू गेट सम अदर टाइप ऑफ एटम आफ्टर डिके और रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ एटम. यानी कि एक कोई न्यूक्लियस है या एटम है एक्स, तो रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या रेडियो एक्टिव डिके के बाद उस न्यूक्लियस से कोई दूसरा ही एटम बन जाता है, ये संभव है. ये बेसिक फाइंडिंग आज ही एक बहुत कॉमन नॉलेज है कि हाँ ठीक है, एक्स एटम है, उसका उसमें कोई अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा रे का डिके होगा या रिलीज होगा या एमिशन होगा और उससे कोई दूसरा एटम वाई मिल जाएगा. आज एक कॉमन नॉलेज है, लेकिन व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज अ ब्रेक थ्रू. ओके, सो यही डिस्प्लेसमेंट लॉ है. डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि जो रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से वो एक एटम को दूसरे एटम में चेंज कर लेते हैं. और ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हम केमिकल रिएक्शंस में एक्स पेरेंट न्यूक्लियस से या एक एटम एक्स से पेरेंट एटम से डॉटर एटम या डॉटर एटम्स या डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन समझते हैं, ये कुछ वैसा ही है. और इसकी डिस्कवरी में जो एक मेजर एक्सपेरिमेंट था वो मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ. वो एक्सपेरिमेंट ये था कि जब एक रेडियम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, रेडियम सॉल्यूशन जो है उसको आप कुछ देर के लिए छोड़ दें तो वो स्पॉन्टेनियसली रेडॉन रिलीज होता है उससे, ठीक है. और उस रेडियम सॉल्यूशन से रेडॉन गैस के रिलीज के बाद ये देखने को मिलता है कि रेडियम सॉल्यूशन में कोई भी गामा एक्टिविटी विजिबल नहीं थी इनिशियली जो पेरेंट सॉल्यूशन था रेडियम, क्योंकि रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो वो पेरेंट सॉल्यूशन रेडियम सॉल्यूशन में कोई भी गामा एक्टिविटी विजिबल नहीं थी. लेकिन जब वो डिके होने के बाद उसका रिलीज होता है रेडॉन गैस का, तो उस रेडॉन गैस में इसमें कोई गामा एक्टिविटी नहीं थी, नो गामा एक्टिविटी वॉज देयर. लेकिन रेडॉन में फुल कंप्लीट गामा एक्टिविटी देखने को मिली. सो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कुछ ना कुछ, इसमें गामा का प्रॉपर्टीज नहीं थी, यानी इसमें कोई गामा रेडिएशन प्रेजेंट नहीं थी जो रेडियम इनिशियल पेरेंट सॉल्यूशन था. लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बना वो कुछ और ही हो गया, उसमें चेंजेस आया और साथ ही उसमें गामा एक्टिविटी आ गई, यानी गामा रेज रेडिएशन भी प्रेजेंट है. तो यहां से ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट था जिससे इस डिस्प्लेसमेंट लॉ की सबसे पहले डिस्कवरी हम कह सकते हैं हुई. और ये सेम डिस्प्लेसमेंट लॉ दूसरे टाइप के न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी देखने को मिलता है. जैसे अल्फा पार्टिकल एमिशन वाले जो रिएक्शंस हैं या ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी देखने को मिलता है. अल्फा पार्टिकल एमिशन वाले ट्रांसफॉर्मेशन में देखने को मिलता है कि एक न्यूक्लियस है या एक एटम है एक्स जो कि पेरेंट एटम है, इसका मास नंबर जेड और एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए है, तो ये एक अल्फा पार्टिकल के साथ अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है और दूसरे एटम में चेंज हो जाता है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये बेसिक न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर विद रिलीज ऑफ सम अल्फा बीटा और गामा, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल या गामा रेज के रिलीज के साथ हो रहा है, तो ये वाला ही लॉ डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है. तो इसमें क्या हुआ, एटम जेड ए जेड जेड एक्स ए था वो जेड माइनस टू वाई ए माइनस फोर में चेंज हो गया, यानी उसका एटॉमिक नंबर दो से कम हुआ और मास नंबर चार से कम हो गया. और उसके साथ ही ये देखा गया कि एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ
और आपको पता ही है लास्ट वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था रेडियो एक्टिविटी का, उसमें बताया था कि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस 2Hg4। ठीक है, तो ये जो 2Hg4 निकला है वो उसके साथ ये एटम को भी इसने चेंज कर दिया है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूरेनियम जो होता है 92U238, उसका डिके होकर वो थोरियम बना लेता है। थोरियम 90TH234 और साथ में हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है। तो ये वाला एग्जांपल इस अल्फा एमिशन का ही एग्जांपल है। इसमें अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है और साथ में एक एटम दूसरे में चेंज हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट लॉ का एक एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं बीटा एमिशन का। जैसे कि आपको पता है बीटा पार्टिकल जो होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सो इसका भी एक एग्जांपल है। अब बीटा एमिशन में क्या होगा कि अपना वही पेरेंट न्यूक्लियस है जेड एक्स ए, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है, तो यही पेरेंट न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस में। और डॉटर न्यूक्लियस होगा इसमें एटॉमिक नंबर एक से बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एटम तो चेंज ही हो गया, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ मतलब एटम भी चेंज हो गया। एटम चेंज हो जाता है और साथ में एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है। जैसे कि आपको पता है बीटा पार्टिकल तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होता है जो अभी रेडियो एक्टिव मटेरियल या न्यूक्लियस थोरियम है 234, जो कि यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन या यूरेनियम के डिके से मिला था, वो स्पॉन्टेनियस डिके होता है और उससे हमें मिलता है 91 पैलेडियम 234। सो हम क्या देखते हैं कि यहां पर एटॉमिक नंबर चेंज हुआ है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। और आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, और मास नंबर उसमें जीरो रहेगा, सो -1e₀। और ये इलेक्ट्रॉन ही तो बीटा पार्टिकल है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया है लास्ट वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी पर इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। सो इस तरह से कहने का मतलब ये है, ये जो कंक्लूजन हम इसका निकाल सकते हैं इस पूरे डिस्कशन का वो ये रहता है कि डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एटम को रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद एक एटम से दूसरा एटम ऑब्टेन किया जा सकता है। जैसे एक्स एटम वाई में चेंज हो गया, साथ में अल्फा डिके हुआ या अल्फा एमिशन हुआ। इसी तरह से एक्स एटम वाई में चेंज हुआ, साथ में बीटा एमिशन हुआ, तो रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस रेडियो एक्टिव ट्रांसमिशन से एक एटम दूसरे में चेंज हो जाता है। और इसमें मेन चीज ये है कि जैसे हम सभी केमिकल रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस में बैलेंस करते हैं नंबर्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जैसे कि एटॉमिक नंबर का बैलेंस होना और मास नंबर का बैलेंस होना जरूरी है, वो यहां भी होना चाहिए। जैसे कि इसमें एटॉमिक नंबर पेरेंट का 92 था और मास नंबर 238 था, यहां पर प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का या पेरेंट का जो था वही डॉटर एटम्स का होना चाहिए। तो प्रोडक्ट के दोनों एटम का मिला के एटॉमिक नंबर 90+2 92 हो जाएगा और मास नंबर 234+4 238 हो जाएगा, तो बैलेंस्ड है। ये बैलेंस होना भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से थोरियम जिसका इनिशियली 90 था, अभी इसके जो प्रोडक्ट आया है उन दोनों का मिलाकर 91 और -1 मिलाकर 90 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और मास नंबर इनिशियली 234 था, डॉटर एटम्स का भी मिलकर या डॉटर पार्टिकल्स का भी मिलकर 234+0 234 ही रहेगा। तो बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होना भी आवश्यक है। आने वाले वीडियोस में हम लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन और भी लॉज और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड और भी टर्म्स डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।